हमारे साथ और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, तो आइए हम इन लोगों से भी कुछ जानने के प्रयास करते हैं कि गुरु जी के आश्रम के बारे में ये क्या बता रहे, गुरु जी के बारे में क्या जानकारी है। तो चाचा आप कुछ बताइए संत रामपाल जी महाराज के बारे में। सत साहब, पहले हम कबीर पंथीय पंथ से जुटे हुए थे। अच्छा। लेकिन सभी देवी देवता का पूजा हम करते थे, भोला जी का भी करते थे, क्या कहते हैं दुर्गा जी का भी करते थे, सीताराम जी का भी करते थे, लक्ष्मी विष्णु जी का भी करते थे, और नाम के लिए थे कबीरपंथी। उसमें सिर्फ क्या होता था, कंठी बांध देते थे और कहते थे झूठ मत बोलना, सिर्फ सतनाम का जाप करो। और सतनाम क्या है, वो नाम माने गुरुदेव देते ही नहीं थे, सिर्फ कहते थे सतनाम का जाप करो। हम लोग सतनाम का बहुत जाप किए। थोड़ा शॉर्टकट में बताइएगा, लंबा हो जाएगा मुझे, शॉर्टकट में बताइए। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जहाँ तक तकलीफ बढ़ता ही गया, परिवार में समस्या का समाधान कभी नहीं हो रहा था, समस्या बढ़ता ही जा रहा था। फिर हम सोचे कबीर साहब के पंथ में हैं, कबीर साहब कहते हैं हम भगवान हैं, और फिर हम सतनाम को जपते हैं, कबीर पंथी में भी है और भोला बाबा को भी जपते हैं, फिर भी नहीं फायदा हो रहा है, दुर्गा जी को भी भक्ति करते हैं फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आखिर सत्य तो कहीं ज़रूर होगा। तो फिर टीवी पर हम देखे, साधना चैनल पर इनका प्रोग्राम आ रहा था, संत रामपाल जी महाराज का, उनका दो चार रोज जब हम प्रोग्राम देखें तो उनका प्रवचन से हमको आकर्षित हो गए, उनके प्रवचन से जो हाँ कबीर साहब का असली नाम और असली ज्ञान दे रहे हैं रामपाल जी महाराज, तब जा कर के हम फिर उन गुरु को त्याग करके इनमें नाम दीक्षा ले लिए और उस दिन से भक्ति कर रहे हैं। एक बार नाम भी खंड हो गया था तो थोड़ा सा तकलीफ भी बढ़ गया था, फिर दोबारा नाम दीक्षा लिए, उसके बाद जो है सो मेरा तकलीफ जो है सो दूर हुआ, प्रभु के दया से, परमात्मा की कृपा से अभी बहुत अच्छे हैं। आइए हमारे साथ एक और भगत जी जुड़े हुए हैं, भगत जी से कुछ जानने के प्रयास करते हैं गुरु जी के बारे में, गुरु जी यानी संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो आप सत्य भगत जी? सत्य। आप कहाँ से हैं? सर मेरा घर बरही दरभंगा जिला पड़ता है, मेरा नाम विनोद दास है, हम गुरु जी से दीक्षा लिए हैं 18/1/2023 को जी, और मैं इसलिए लिए हैं कि हमारे परिवार में दो लड़के हैं, एक लड़की है, और बहुत कमाते उमाते थे, लेकिन घर में हमेशा काया कलेश रहते ही थे, और बहुत हम नशा का आसक्ति बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कि इस बीच में जो है हमसे नशा इतना आ गया था कि हमारे परिवार में कई बार कसम भी दी है, कसम भी खाए, बाल बच्चा का भी कसम खाए, लेकिन 10 दिन 15 दिन रहता था, उसके बाद फिर हम जो है कसम को हम छोड़ देते थे कि भाई कसम कुछ नहीं। अच्छा नहीं, मतलब ये गुरु जी के बारे में बताइए ना, वो तो आपके बारे में, नशा के बारे में, गुरु जी के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ जुड़ने से आपको क्या लाभ हुआ, कैसे क्या जुड़ने, जब हम दीक्षा लिए तो हमारे पास में जितना प्रॉब्लम था सारा दूर हो गया, और एक मेरा जांघ का दर्द था जो डॉक्टर से हमारा इस दर्द ऐसा था जो ठंडी में दर्द नहीं होता था, ठंडी जब उतरता था जैसे मार्च आता था उसके बाद ठंडी पकड़ लेता था, अब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो हम कई बार सुइया लेते लेते थक गए, लेकिन दर्द हमको आराम नहीं होते थे, डॉक्टर कहे कि सुई से नहीं आराम होगा, लहसुन और गुड़ खाइए, सेवन किए फिर भी उससे नहीं हुआ, लेकिन जब से दीक्षा लिए हैं हमको ये दर्द आराम हो गए, दर्द नहीं के बराबर है। मतलब तो आप बीमारी के लिए जुड़े हैं या मुक्ति पाने के लिए जुड़े हैं? मुक्ति पाने के लिए भी जुड़े हैं, शरीर को तो स्वस्थ रहना चाहिए ना, स्वस्थ रहेगा तब तो मुक्ति मिलेंगे, तो भक्ति करेंगे, अच्छा। स्वस्थ रहेंगे तब तो चलिए दोस्तों, आपने हमारे यहाँ के भगत जी से जानकारी ले ले कि हमारे यहाँ के जितने भी भगत जी हैं वो गुरु जी के साथ क्यों जुड़े, यहाँ सभी का इच्छा है कि मुक्ति पाए, यानी धरती पर आवागमन का बंद होने का, क्योंकि यहाँ धरती पर हमेशा जब से जन्म लेता तब से लेकर समस्या, अभी तो हम देख रहे हैं कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे को पेट में समस्या हो जाता है, किसी बच्चे को पता चलता है कि एक दिल नहीं है, किसी को बोलता है कि कैंसर हो गया, मतलब बच्चा पेट धरती पर आने से पहले ही समस्या है। तो गुरु जी के साथ जुड़िए, अब और अधिक जानकारी के लिए आप निशुल्क मंगवा सकते हैं ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक जो ऑनलाइन पर उपलब्ध है, आपको फ्री में ये सब सेवा मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तो बने रहिए।